अगला अध्याय षड्धोपशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़कर शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अवनंतर गुरु उसे मंडल के दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधी रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निमालय मंडप में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी बागेश्वरी पूजा पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दें। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोषण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वाशांत में निवेदन करें। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जातियां हैं, तिर्यक योनियों की 5 और मनुष्य की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निर्दिष्ट करे। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथातथ रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति कर्मानुवृत्ति सरलता भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति आयु और भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषयक आसक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाएं। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जाने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा करके और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य की आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित करके बागेश का पूजन करें। उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करें। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करें। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाएं। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करें। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करें, साथ ही उसमें व्याप्त बागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमान सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें
व्यापी का बागेश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल में सूर्य की भांति अरुणी रंग की है और वे दसों दिशाओं को उद्दासित कर रही हैं। इसी प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांति अतीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक बागेश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन बागेश्वर देव को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दें। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करें कि शांति अतीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। 6 अधवाओं से परे जो शिव की सर्वाध व्यापनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उनके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दें और आचार्य कैची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करें। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वौषट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दें। फिर कैची धोकर रख दें और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दें। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाएं और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया लोभ जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करें। तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 बार आहुतियां दें। फिर मंत्र वैकल्पिक जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 बार आहुतियां दें। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की श्रद्धा शुद्धि हो गई है, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संघान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें। स्थिर तत्व, अस्थिर तत्व, शीत तत्व, उष्ण तत्व तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म से चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उसके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव से नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग करें। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से अप्रलाबित करें। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अधोमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अधमों को व्यापक शुद्ध शांति अतीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला से मुख में, विद्या कला से गले में लेकर नाभि पर्यंत भाग में प्रतिष्ठा कला का उसके नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदनंतर अपने बीजों सहित मूल मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिव स्वरूप समझें। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करें। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य की अरिमा आदि गुणों का भी चिंतन करें। फिर भगवान शिव में आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दें। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का उपपादन करें।
सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतरहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता एवं अनंत शक्ति, इन गुणों से उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा ले उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करें। उस शैवी विद्या के आदि में ओमकार हो, वह उस ओमकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उसका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतविजों को अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी ना करें।